नो सेवन मोटरवे पे हैं, उसके बाद हमने D100 पे किसी तरह पहुंचना है। तो बड़ी लंबी ड्राइव है अभी मेरे ख्याल से, हम आज दिन में किसी सूरत भी ईरान वाली साइड पे तो नहीं पहुंच सकते, हमें कम से कम जो है कल का दिन भी बीच में चाहिए होगा। तो कल दोपहर को, कल शाम तक शायद हम लोग जो है पहुँच जाएंगे ईरान के बॉर्डर पर, और दो दिन ईरान का टाइम होगा हमारे पास, फिर उसके बाद दो दिन में वो क्वेटा क्रॉस करना और आगे जाना बस टारगेट है, वल्लाह आलम पूरे होते हैं कि नहीं। एनीवे आप लोगों की मोहब्बत का बड़ा शुक्रिया, आप लोगों से काफ़ी बातचीत हो गई है, आप लोगों ने बड़ा साथ दिया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे तो अगर दोबारा टाइम मिला तो मैं दोबारा लाइव भी आऊँगा। जनाब हूँ एक मिनट में सिद्धियाँ हो गई बनाना ना सोने बनासा ना छोड़ दे तो ना हाँ जी। दोस्तों हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले जनाब एशिया का ब्रिज जो है ना, एशिया वाला, एशिया यूरोप वाला, वो क्रॉस किया, आप लोगों को दिखाया भी है। तो ये जनाब इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत मंजर था, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया कैमरा ऑन करने से। ये आगे टनल आ रही है, तो ये देखिए बिल्कुल पहाड़ों के नीचे, नीचो नीच। मैंने सोचा ये वाली जो टनल है ना, इसको कैच किया जाए। ये देखें ये चीज़, फुल माहौल वाले LED साइन बोर्ड लगे हुए हैं, और ये देखें इस बंदे की स्पीडें मारनी। ये 1122 में पहले काम करते थे भाई साहब। माजरत हमारी स्क्रीन इतनी गंदी हो गई है, आपको बता नहीं सकते, वाश करवाने का हमारे पास टाइम नहीं है। ये देख रहे हैं ना, दरख्त ही दरख्त, जंगलों के जंगल लगे हुए हैं जनाब। जी सोने हो शहजादे हो मिठे हो, ऐ मैनू मकान नज़र आए जनाब। जहांगीर भाई ने कहा कि तुहानू ऐ मकान जेड़े ने विखाने चाहिए ने, मेरी तवज्जो इन मकानों की तरफ मबजूल करवाई है, स्पेशली जहांगीर भाई ने कि यार ये बड़े खूबसूरत ना, एक बिल्कुल वो ऊपर से नीचे
वो एक सीक्वेंस में बने हुए मकान हैं, तो प्लीज़ ये मकान दिखाएं। तो जनाब ये देखें, ये मकान बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा नज़ारा पेश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आते नहीं है ना इस तरह की कंस्ट्रक्शन के, तो बड़ा अच्छा मंजर पेश हो रहा था। हम लोगों का इस्तांबुल जो है वो साइड पर रह गया हुआ है, हम लोगों ने वो एशिया ब्रिज जो है वो क्रॉस कर लिया हुआ है। और ये देखें बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग तो पाकिस्तान में ही घूम फिर रहे हैं ना जी। चारों साइडों पे ऐसे ही है। और गर्मी जनाब अचानक जैसे ही एशिया में एंटर हुए हैं तो गर्मी जो है ना वो ठक करके मुंह पे बची है। क्यों जी, क्या टेम्परेचर आ रहा है जी? 27 यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है। पीछे हमारे नीफ भाई ने हीटर लगाया हुआ था, खैर उनकी तो पता नहीं अभी भी हीटर चल रहा है उनकी गाड़ी में, उनकी एक अपनी साइकोलॉजी है। लेकिन सही बात है, 27 टेम्परेचर जो है ना गुड टेम्परेचर है। तो anyway, चले आगे चलते हैं। ये लास्ट साइन बोर्ड देख लीजिएगा, ठीक है? तो फिर उसके बाद आपको आगे चल के अपडेट करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम मुसाफरों, मुसाफरों कैसे हैं जनाब? मैं हूं आपका अपना तनहा मुसाफिर, और आज मैं लाइव हूं अपने इस्लामी मुल्क, अपने ब्रदर मुल्क। गैस कर लें वो नाम क्या हो सकता है। यकीनन आपने ठीक तरह गैस किया होगा, हमारा इस्लामी और ब्रदर मुल्क तुर्की, जिससे हमारे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मोहब्बतें हैं। तो जनाब आज हम लाइव हैं उसी तुर्की से, और सफ़र हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, सारी है। वो पीछे थे, अगर आप देखें पीछे स्क्रीन के पीछे वो काली गाड़ी अगर आपको नज़र आ रही हो, तो वो है जनाब हमारे हनीफ भाई की।